भिन्न भिन्न देशों में अपनी छाप छोड़ने के बाद रेनन आइलैंड के लोकप्रिय चित्रकार शॉली लेस्क्युलिन अकेले ही मॉरिशस में अपने चित्रकलाओं को प्रदर्शित करने आए हैं। उसकी यात्रा की शुरुआत सड़कों से हुई। पहले से ही अलग अलग टापुओं में जाने तथा अपने चित्रकलाओं को प्रदर्शित करने का ख्याल मन में था, क्योंकि हिंद महासागर में मेरे कई मित्र कलाकार हैं। इसी कारण से मॉरिशस में भी अपनी कला का प्रदर्शन करने का ख्याल मेरे मन में आया। इसी बीच इल्हाद ओसेने की ओर से निमंत्रण मिला और आज मैं यहाँ आया। रंगों की यात्रा 90-91 में हुई। मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, फिर भी आज अपने सपने साकार करने के लिए मेहनत करता हूँ। लोग मुझे जानते हैं क्योंकि मैं हमेशा लोगों के संपर्क में रहता हूँ। लगभग 20 साल से मैं सड़क पर लोगों का चित्र बनाता था। इस तरह से मेरी कला में गतिशीलता आई। 1997 से ही शॉली को जानता हूँ, जब से मैंने अपनी गैलरी खोली है। शॉली के साथ मैंने रेनन आइलैंड में 2 एकल प्रदर्शनियां की है। तब से हमने साथ साथ काम किया है। 2 साल पहले लावांची और जुसिक के लिए हमने साथ काम किया है। शॉली एक बहुत ही निपुण कलाकार है। मैं फोटोग्राफी का एक कलाकार हूँ। शॉली को मैं दूसरे कलाकारों के जरिए जानता हूँ। वह एक बहुत ही लोकप्रिय चित्रकार है, इसीलिए हम खास उनके चित्र देखने के लिए आते हैं। 15 साल से मैं देश भ्रमण करता हूँ। मैंने पेरिस और एशियन देशों में भी बहुत प्रदर्शनियाँ की हैं। मेरे पास काफी अनुभव है। इस तरह से पेंटिंग की अलग अलग शैली सीखने को मिली, मुख्य रूप से लॉन्ग ट्रेडिशन से किस तरह से काम किया जाता है। कुछ चित्रों में मैं रंगों को तेल से मिलाता हूँ। मेरी जीवन यात्रा में ये एक रोचक सफर है। काव्यात्मकता और विनम्रता, इन दोनों के साथ कलाकार अपनी कल्पनाओं द्वारा अपने कार्यों की प्राप्ति में दृढ़ है। उनकी पेंटिंग उनके विचारों और लोगों के प्रति उनके प्यार को दर्शाती है। वह अपने चित्रों में खेलते को भी चित्रित करता है, तो कभी कभी जीवन के चित्रों को दर्शाता है। वास्तविक और असत्य के बीच की सीमा पर कलाकार काम करता है। एक पैर जीवन की हकीकत में तो दूसरा काल्पनिक दुनिया में। मेरा हर किसी से लगाव और स्नेह है। मेरे करियर की शुरुआत सड़क पर हुई थी। मेरी सभी रचनाएं आम जनता के लिए खुली हैं। मुझे अच्छा लगता है जब लोग आकर मेरी रचनाओं को देखते हैं। ना भी खरीदें कोई बात नहीं, मैं बांटने में विश्वास रखता हूँ। जब लोग आते हैं और मेरे चित्रों को देखकर अपने विचार देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी मेरे चित्र सत्य और असत्य से गुजरते हैं। मुझे अपने हाथों पर विश्वास है। बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं चित्रों के आधार पर नहीं बल्कि अपनी कल्पना के आधार पर काम करता हूँ। मैं अपने चित्रों के द्वारा काव्य की रचना करता हूँ। मेरी कल्पना मुझे दिशा देती है और मैं अपने चित्रों में पात्र उत्पन्न करता हूँ, जैसे कि जंगल के जानवर इत्यादि। जीवन की सच्चाई को मैं बहुत बारीकी से देखता हूँ। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि लोगों से मेरा लगाव रहता है और जीवन की छोटी छोटी चीजों को मैं नजदीकी से देखता हूँ। उदाहरण के लिए जमीन पर पड़ा साया या एक महिला का प्रतिबिंब, मुझे ये बहुत ही आकर्षक लगता है और मैं उन सब संस्कृतियों को तथा इस खयोलाइट को अपने तरीके से बनाता हूँ। मैं अपनी कल्पना के साथ सभी सरहदों को पार करके मानवता को उभारता हूँ। L'humain, voilà, je dépasse le cadre des frontières, du nom des pays, mais j'aime bien, voilà, des scènes où les humains sont en train de faire des choses et positives. Il y a une pièce qui a une résonance plus particulière pour moi. C'est cette toile de paysage qui s'appelle Footpath. Charlie Kay ke vishisht chitra mere liye bahut hi khas hai. उसको फुटपाथ कहते हैं। यह एक काल्पनिक चित्र है जो रेनन आइलैंड के प्रकृति तथा दृश्य को दर्शाता है।
शाले के सभी काम काल्पनिक हैं, जो किसी और चित्र या दृश्य से प्रभावित नहीं है। बस यहाँ एक ही चित्र है जो बैंबफ के दृश्य को दर्शाता है, लेकिन इसमें भी अपनी कल्पना शक्ति से उन्होंने अपने तरीके से चित्रित किया। Le collage, l'assemblage et l'encre de Chine, ऐसी अनेक शैलियां हैं जिनके द्वारा चित्रों में बसे सपनों का अनुवाद किया जा सकता है। शौले को मैं नहीं जानती थी, आज ही उनके बारे में जानने का मौका मिला। उनके चित्रों को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि हम दोनों के बीच बहुत सामान्यताएं हैं। वहाँ बहुत ही प्रेरक है। उनके कामों में बहुत सारे इम्प्रोवाइजेशन हैं जो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। मैं भी कोई भी काम शुरू करने से पहले स्टोरी बोर्ड नहीं बनाती हूँ, अपनी कल्पना के हाथों में अपने आप को छोड़ देती। उनके हर एक चित्र की अपनी अपनी व्याख्या है। शुरू शुरू में अगर इन चित्रों को अगर आप देखेंगे तो कुछ नहीं समझेंगे, लेकिन अगर खुद को समय देकर आप इन चित्रों की गहराई में जाएंगे तब धीरे धीरे इनके मतलब उभर कर सामने आएंगे। क्योंकि चित्रों को न सिर्फ देखना चाहिए बल्कि उसको पढ़ना भी चाहिए। कला एक अवर्णित विधा है जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। मेरे लिए रंग और चित्र एक थेरेपी है जिसके जरिए हम कई रोगों को ठीक कर सकते हैं, जैसे तनाव। उनका यह मानना है कि वह अपना काम जल्दी करता है लेकिन बड़ी सटीकता के साथ। एक पूर्व विज्ञापन चित्रकार होने के नाते उसने चमकीले रंगों का एक पैलेट विकसित किया है। फिर भी वह सीखता रहता है और खुद को सुदृढ़ करता रहता है। मेरी शुरुआत कोलाज और असेंबलाज से हुई थी, लेकिन जब से एशियन देशों में मेरा भ्रमण हुआ तब से लॉन्ग देशन से मैं बहुत ही प्रभावित हुआ। मैं कालीग्राफ अर्थात सुलेखक नहीं हूं, लेकिन स्याही को मैंने अपने कामों में शामिल किया। ये सच है कि मैं ऑयल पेंटिंग बहुत पसंद करता हूं, लेकिन ऑयल पेंटिंग में स्याही अर्थात इंक को शामिल करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस तरह का काम मुझे और प्रेरित करता है। मैं आलाप खीमा तरीके से काम करता हूं, अर्थात एक बार बैठकर अपना काम पूरा कर लेता हूं। अगर कोई भी सोच मेरे दिमाग में आती है तो मैं उस पर काम करने के लिए बैठ जाता हूँ और दोपहर तक 80% पूरा कर ही देता हूँ, क्योंकि यह एक सोच है, एक सपना है जो किसी भी समय गुम हो सकता है। रेन्यू आइलैंड की राजधानी सेंदेनी में भी मैंने श्वेत और शाम अर्थात ब्लैक एंड व्हाइट में एक प्रस्तुति भी की। हालांकि मैं रंग से काम करने वाला चित्रकार हूँ, लेकिन उस समय मुझे श्वेत और शाम रंग बहुत ही पसंद आया, क्योंकि एशियन देशों में मैंने उस तरह के बहुत काम देखे हैं। तो श्वेत और शाम रंगों से भी चित्र बनाए जा सकते हैं। इस तरह से मैं समझता हूं कि मैं अभी भी एक छात्र हूं और हमेशा सीखता रहता हूं। L'exposition était majoritairement en noir et blanc et je me suis surpris à aimer le noir et blanc alors que je suis coloriste parce qu'en Asie j'ai vu beaucoup de choses en noir et blanc et j'ai vu que on peut travailler en noir et blanc, il faut juste savoir le faire. Donc j'apprends. En ce moment, je suis un étudiant voilà, qui pratique beaucoup, mais j'ai beaucoup apprécié travailler en noir et blanc. एक कलाकार होने के नाते मेरा यह मानना है कि आपको हर तरह का अनुभव करना चाहिए। मैं सभी चित्रकारों को हर तरह की शैलियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती हूँ। मैं इनकी जटिलता और तकनीकी कौशल को बहुत पसंद करती हूँ। इनके चित्रों में एक द्वंद्व है जो बहुत ही जटिल है और अपनी कल्पना से इस द्वंद्व को भी पार कर लेता है। यह प्रदर्शनी नई तकनीकियों के लिए एक परीक्षण ग्राउंड भी है। उदाहरण के लिए काले और सफेद रंग का मिश्रण अतीत, वर्तमान और भविष्य को वर्णन करने और विषम तत्वों को एकजुट करने का एक सौंदर्यपूर्ण तरीका है। यह एक नई दृष्टि है जो इस चित्रकार ने हमें बताई है। Moi je pense à l'histoire que je peux raconter aux gens quand je fais une œuvre, c'est pour mettre en tête des gens que on est dans un monde moderne, des fois très business etc. donc
मैं अपने चित्रों के द्वारा लोगों को कहानियां सुनाता हूं, जैसे कि आज के इस आधुनिक जीवन में हम किस प्रकार से रह रहे हैं और पहले किस प्रकार से रहते थे। और मेरे चित्रों में श्वेत और शाम का मिश्रण अनेक रंगों से इसलिए हुआ ताकि लोगों को पुराने जमाने और नए जमाने के बीच का फर्क बता सकूं। मैंने कई चित्रकारों के चित्रों को देखा है, वे या तो श्वेत और शाम रंग के चित्र बनाते हैं या तो भिन्न रंगों से। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं दोनों प्रकार के रंगों को अपने कामों में शामिल कर लूं। चित्रों को देखेंगे तो ये जरूर आभास होगा कि कुछ चित्र भूतकाल को दर्शाता है, कुछ वर्तमान और कुछ भविष्य को। इस तरह से मैं समय के साथ, मौसम तथा पानी हवा के साथ खेलता हूँ। मेरा सबसे बड़ा प्रतिभागी मैं खुद हूँ। हमेशा सोचता हूँ कि इस बार मैं नया क्या कर सकता हूँ। मेरे काम का कोई नियम नहीं है। आमतौर पर कोई विशिष्ट नियम का पालन करता है, परंतु कलाकारों का कोई नियम नहीं होता, वह खुद ही प्रेरणा बनता है। Mais il faut se faire confiance et se façonner tous les jours. On est comme une sculpture qu'il faut tailler tous les jours. इन वर्षों में शार्ली लेस्क्यूलिन की कड़ी मेहनत ने उनकी रचनात्मकता, उनके दृष्टिकोण और खुद पर विश्वास को आकार दिया है। यह युवा कलाकारों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। Je n'ai pas été dans un schéma et... मेरे जीवन में मैंने कोई विशेष योजना का पालन नहीं किया है। हमेशा स्वतंत्रता पर विश्वास किया है। मेरा ये मानना है कि अगर एक छोटा बच्चा आकर मेरे चित्रों को देखे, हालांकि वह कुछ नहीं खरीदेगा, और मैं उस बच्चे से बात ना करूं, तो ये मेरे स्वभाव के विरुद्ध है। मैं समझता हूं कि मैं कला की दुनिया का एक हिस्सा हूं। एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर जाने वाली इस प्रदर्शनी ने मॉरिशस के लोगों को एक स्वसिखाया चित्रकार के कार्यों की खोज करने की अनुमति दी। शार्ली लेस्क्यूलिन अपनी रचनाओं के माध्यम से अन्य लोगों से भेंट करने की यात्रा जारी रखते हैं। रंगों की दुनिया अपनी प्रचलित गतिविधियों में से एक है खुली हवा में चित्र बनाना। इस अवसर पर इंटरनेशनल वाटर कलर सोसाइटी ने अपने सभी कलाकारों को विश्व के सबसे पुराने उद्यानों में से एक ससिव सागर रामगुलाम बोटानिकल गार्डन में आमंत्रित किया। IWS के स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों को यहाँ आमंत्रित किया गया। जो कलाकार IWS में रजिस्टर्ड नहीं हैं, वे भी यहाँ आए हैं इस गतिविधि में भाग लेने के लिए। तो आज हम यहाँ पर आए हैं दूसरे कलाकारों से मिलने के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण एक्वारेल अर्थात पानी और रंग से बने चित्र को प्रोत्साहित करने के लिए। हम प्रस्तुति प्रदर्शन तथा सेमिनार्स भी करते हैं, लेकिन ये हमारी एक ऐसी गतिविधि है जहां हमें दूसरों से मिलने का मौका मिलता है। खुली हवा में चित्र बनाना बहुत ही प्रोत्साहक होता है, लेकिन इनके कुछ समस्याएं भी होती हैं, जैसे आज थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है और मुझे इस छतरी के नीचे काम करना पड़ रहा है। जब वातावरण में बदलाव होता है तो दृश्य बदलता है, इसके साथ रंग बदलता है। इस तरह की समस्याओं का सामना करके हम अपने आरामदायक स्टूडियो को छोड़कर बाहर आते हैं। सभी चित्रकार इस बात से सहमत हैं कि चार दीवारों के बाहर खुली हवा में चित्र बनाना चित्रकारी में गतिशीलता लाती है, जिससे वो बेहतर चित्रकार बन सकता है। पॉपलेमस बोटानिकल गार्डन चित्रकारों के लिए
आकर्षण का एक केंद्र बिंदु है, जहां वे प्रकृति के भिन्न भिन्न रंगों से परिचित होते हैं, जिससे वे अपनी कला को और निखार सकते हैं। Chaque trois mois peut-être, tu dépannes. Parfois, on a mal des autres activités aussi. साल में लगभग 4 या 5 बार हम गतिविधियों का आयोजन जरूर करते हैं, जहां हम आम जनता से मिलकर उनसे बात करते हैं और वे हमारी रचना को निहारते हैं। लेकिन इस बार इस आयोजन के पीछे लक्ष्य यही है कि उन चित्रकारों को अक्वागेल से परिचित करना, जो इस टेक्निक से अनभिज्ञ है। आज मैं एक नई टेक्निक का प्रयोग कर रहा हूं, जहां मैं कम ड्राइंग और ज्यादा पेंटिंग कर रहा हूं। Normalement, il faut mémoriser l'image si possible et faire assez vite aussi. आमतौर पर हम चित्र को याद करके पेंटिंग करते हैं, जिसके लिए गति की जरूरत होती है और शेष अंश को हम अंत के लिए रखते हैं। इस तरह से अगर प्रकाश में परिवर्तन होता है तो हमारे चित्र में कोई फर्क नहीं पड़ता। अक्वागेल प्रेमियों के लिए यह उद्यान बहुत ही उपयुक्त है, जहां चित्र के विषय के लिए सुंदर नजारे होते हैं, जैसे झील, नदियां और प्रकृति के भिन्न भिन्न रंग प्रेरणा का स्रोत होता है। जब मैं यहाँ आया तो यहाँ का नजारा बहुत ही सुंदर था। प्राकृतिक रंग अलग था, ऐसा लगता था मानो रंग और प्राकृतिक का एक मिश्रण था। जहाँ यहाँ से प्रकाश आ रहा है और छाया वहाँ से आ रही थी, और ख़ास तौर पर यहाँ की नदी की ध्वनि से मैं आकर्षित हुआ, इसलिए मैं इस स्थान पर खींचा चला आया। जब मैं यहाँ आया तो इस उद्यान का चक्कर काटने लगा और मैं इस तालाब से आकर्षित हुआ, क्योंकि यहाँ के फूल बहुत ही रोचक हैं, विशेषकर ये फूल खिलने लगे हैं। अनेक रंगों से प्रभावित होकर मैं इस चित्र को अपने कागज में उतारने लगा। अक्वागेल टेक्निक के साथ कागज का सफेद रंग रखना अनिवार्य होता है, फिर प्राकृतिक दृश्य से प्रेरित होकर इनके रंगों को उतारा जाता है। जैसे यहाँ एक ही नजारे में अनेक रंग मिश्रित है, जैसे नीला रंग, सफेद रंग, हरा रंग, और यहाँ अनेक प्रकार के हरे रंग है। कागज पर काम करना एक तरह का सफर होता है, रंगों के मिश्रण का सफर। पानी और रंग का संबंध बहुत ही गहरा होता है और नाजुक भी होता है, जिसके द्वारा वास्तविक दुनिया की सुंदरता को कागज पर उतारा जाता है। अक्वारेल में एक जादू है, रंगों के मिश्रण का जादू, जहां मिश्रण के बाद रंग उभर कर सामने आता है, और ये जादू पेंटिंग के अन्य टेक्निकों में नहीं। जो व्यक्ति एक बार अक्वारेल के साथ काम करने लगता है, वो इससे प्रेम करने लग जाता है। वो तेल से या एक्रिलिक से काम कर भी लेगा, लेकिन वापस अक्वारेल की ओर जरूर लौटेगा, क्योंकि इसमें एक तरह का जादू होता है। यहाँ खुली हवा में कलाकारों को अपने चाहने वालों से मिलने का मौका मिलता है और अपनी कला को जनता के सामने लाने का अवसर भी मिलता है। मेरा नाम ओक्साना कंदाबुरा है और मैं यूक्रेन से हूँ। मैं पेंटिंग सीख रही हूँ ताकि मेरी यह कला और निखरे। आज मैं यहाँ इन पत्तों का चित्र बना रही हूँ। यह पहली बार है कि मैं बंद कमरे से बाहर पेंटिंग कर रही हूँ। It is the first time I'm doing plein air. And actually, this is very important to have the support of other artists. इस तरह से दूसरे चित्रकारों की भी सहायता मिलती है। यह मेरे लिए एक बहुत अच्छा अनुभव है। For a long time, and this was like a good chance.
यह एक बहुत ही अच्छा विचार है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मॉरिशस में अनेक गैलरीज हैं, लेकिन कई लोग जाते नहीं हैं और यहाँ गैलरी में जाकर चित्रों को देखने की परंपरा उतनी नहीं है। जैसे हम देख रहे हैं कि ये कलाकार आज जनता के बीच आए हैं और इन कलाकारों में न सिर्फ स्थानीय कलाकार बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कलाकार भी आए हैं। इसीलिए यह एक बहुत ही अच्छा अवसर है इन कलाकारों से मिलने के लिए और उनसे बात करने के लिए। आज रविवार है तो बच्चे भी इस मौके का फायदा उठा रहे हैं। एक तरह से जनता के साथ पारिवारिक संबंध भी कायम हो जाता है। बस यही समस्या सामने आती है, प्रकाश, वातावरण, छाया, और इनमें बदलाव होते ही रहते हैं। मेरे लिए काफी मुश्किल है क्योंकि सूर्य की रोशनी में बदलाव आते ही रहते हैं। चित्रकारिता में प्रकाश का बड़ा महत्व होता है, खासतौर पर एक्वारेल में, क्योंकि इस टेक्निक में हम कंट्रास्ट के साथ ज्यादा काम करते हैं। अगर आप किसी एक्वारेल का काम देखेंगे तो जो सफेद रंग नजर आता है वो कागज का ही रंग होता है, ना कि हमने अलग से लगाया है। वातावरण में जितने रंग मिलेंगे उन सब को हम कागज में जितना उतार पाएंगे उतना ही अच्छा होगा और उतनी ही गहरी हमारी पेंटिंग होगी। आज की रोशनी थोड़ी सी अलग है, जिसके कारण से मेरी पेंटिंग के विषय में थोड़ा बदलाव आया है। और दूसरी समस्या यह है कि प्रकृति का चित्र बनाना और स्क्रीन का चित्र बनाना दो अलग अलग बात है, क्योंकि प्रकृति के चित्र बनाने में उसके कंपोजिशन पर अधिक ध्यान दिया जाता है, जबकि फोटो या स्क्रीन में ऐसा नहीं होता। And this is much much easier to do when you're painting from the screen, from the computer, or from the photo. सभी चित्रकारों को एक साथ लाते हुए तथा आपस में मित्रता कायम करते हुए इंटरनेशनल वाटर कलर सोसाइटी अपने कलाकारों को अपने विषय चुनने की पूरी स्वतंत्रता प्रदान करती है, जहां वे अपनी प्रेरणा तथा कला का प्रयोग करते हैं। आमतौर पर मैं गुआश या कलर्ड पेंसिल का प्रयोग करता हूं। एक्वारेल मेरे लिए आज पहली बार है। जब भी वे लोग बाहर निकलकर पेंटिंग करते हैं, मैं हमेशा आकर उन लोगों से मिलती हूं और बात भी करती हूं। उन लोगों का काम देखती हूं। मैं एक्वारेल नहीं करती, लेकिन उन लोगों को देखकर मैं भी प्रेरित हुई हूं। और IWS के प्रधान रियाज उलादीन से एक्वारेल का कोर्स लेने लगी हूं। 9 महीने का एक कोर्स है, मैंने अभी अभी शुरू किया है, और इसके बाद मैं भी इन कलाकारों की तरह खुली हवा में पेंटिंग करने लगूंगी। रंगों के साथ यह एक बहुत ही रंगीन यात्रा थी, जहां अपनी प्रेरणा और सोच के साथ ये चित्रकार प्रकृति तथा रोशनी के मिश्रण को कागज में कैद करने चले। यूं तो कहते हैं कि प्रकृति की नकल करना नामुमकिन है, लेकिन प्रकृति के रंगों को कोरे कागज में उतार कर उसको नया रंग देना सराहनीय काम है, जो ये कलाकार कर रहे हैं। Thank you.